दुर्भाग्य इस देश के लोकतंत्र का। मतगणना होने जा रही है, तीन स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था मतगणना में लगाई गई है। पहले यूपीपी, हमें कोई ऐतराज नहीं। दूसरी पीएसई, हमें कोई ऐतराज नहीं। तीसरी बीएसएफ, इसका मतलब है कि आपको अपनी सरकार के मुख्य योगी बाबा पे भी यकीन नहीं, उसकी पुलिस पे यकीन नहीं है। तो इसका मतलब है कि दिल्ली सरकार के मुखिया, चाहे गृहमंत्री हो, प्रधानमंत्री या कोई भी ताकतवर आदमी हो, वो हमारे जिलाधिकारी को दबाव दे करके अपने फोर्स के दम पर हमारे साथ अन्याय करना चाहता है। हमने कहा इस फोर्स को हटाया जाए। डीएम साहब का कहना है गाइडलाइन तो पहले थी, पुरानी थी, तो पहले चुनाव में क्यों नहीं लगाया गया, 22 में क्यों नहीं लगा, 19 में क्यों नहीं लगा, आज ही क्यों लग रहा है। हमारे पास एक ही हथियार है, वो है प्रेस, चौथा स्तंभ लोकतंत्र का। आपसे विनम्र निवेदन है कि हमारी आवाज को दिल्ली, लखनऊ, विपक्ष के तमाम सरकारों तक पहुंचाएं। और अलीगढ़ की जनता से भी कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि जब जब कोई तानाशाही करता है जनता के ऊपर, तो जनता सड़कों पर आती है। इस बार पूरे जिले की जनता 7,000 तमाम हिंदू सड़कों पर आए, तो कह दिया जनता आए कल सड़कों पर, किसी भी अनहोनी घटना को नहीं होने देंगे, चाहे जान की कुर्बानी देनी पड़े दे देंगे, नहीं हटेंगे, शांति से लड़ेंगे, उधम नहीं करेंगे, संवैधानिक अधिकार का प्रयोग करेंगे। उन्होंने भेज दिया दोनों को, हमने मेल किया है, अभी बात करेंगे फोन पे। 2014 में केंद्र में मनमोहन जी की सरकार थी, हाँ, चुनाव में हर जिले में चुनाव में लगे, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। देख काउंटी की बात कर रहा हूँ भाई, चुनाव में तो लगने में कोई दिक्कत नहीं है हमें। आज प्रेस ने उछाला है उस मुद्दे को कि गृह मंत्री जी ने, हमारे दाढ़ी वाले बाबा ने 150-200 जिलाधिकारियों को डायरेक्ट फोन किए हैं। आयोग कहता प्रमाण दीजिए, अरे प्रमाण की जरूरत क्या है, तुम उनके पीएनटी होंगे आवास के घर के, उनके प्राइवेट और सरकारी मोबाइल होंगे, आप उनकी कॉल डिटेल निकलवा लो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तुमने बात की है कि नहीं की जी? अब ये इनका काम है, हमारा काम लड़ाई लड़ना जनता के लिए। डीएम साहब ने ये कहा मैं बात करता हूं, गाइडलाइन क्या कहती है, लेकिन मैं एक विश्वास दिलाता हूं, उन्होंने विश्वास दिलाया है कि मैं रहते हुए दूध का दूध पानी का पानी करूंगा, एक वोट की भी बेईमानी नहीं होने दूंगा।